हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं करवा दूंगी। हाँ, खुदा हाफिज। तुम अभी तक यहीं बैठी हो? उठो, जाओ, जाके कपड़े बदलो, पार्लर जाओ, कोई अपना फेशियल फूशल करवाओ। फिर कोई रिश्ता ला रही है? हाँ, सलमा ने बताया बहुत ही अच्छा लड़का है, अमेरिका में रहता है, बहुत पढ़ा लिखा, माँ बाप का इकलौता, बड़ा कारोबार है उसका। फिर तो ऐप भी कोई बहुत बड़ा ही होगा। पागल हो गई हो? सलमा बता रही है लाखों में एक लड़का है, पूरा हीरो लगता है, हीरो। इतना अच्छा होता तो निम्मी के घर ना चली जाती। मुझे तो नाटी परकटी कहकर मना कर देती। फिक्र ना करो, मैंने भी सोच रखा है, कड़े देकर अपनी मर्जी की बात करवा लूंगी। काश मैं भी सितारा की तरह हसीन होती। लो, अभी सितारा कहां से आ गई बीच में? आपने उसका घर नहीं देखा? वैसे सलार जैसा हैंडसम बंदा मिल गया उसको, उसकी तो किस्मत ही खुल गई है। अरे किस्मत नहीं है, बेहयाई है सारी, निरी बेहयाई। भाई की और ताया की नाक कटवा दी उसने। नाक कटे या सर, इतना बड़ा घर भी तो मिल गया है। तो भाई और क्या, अब आप मेरे लिए ऐसे दो दो रुपए के रिश्तों के लिए इतना ख्वार हो रही हैं? अरे क्या फायदा है ऐसे बड़े घर का, जहां पर रहकर जूतियों में दाल बट रही हो। इससे तो बेहतर है बंदा मियां ना रवि के साथ अपनी औकात के मुताबिक शादी करे, कम से कम इज्जत से वालदेन की दुआओं के साथ तो घर से ब्याह जाए। जूतियों में दाल, ठाट है उसके पूरे वहां, और इज्जत भी खूब है। तुम ऐसी बेवकती को ठाट कह रही हो, जहां लड़का चार दोस्तों के साथ आ जाए बारात लेकर। ये बारात है? तो बारात में ना आने से क्या होता है? इतनी तो अय्याशी में रखा हुआ है उसे, यहां तक कि हमें इतना पलकों पे बिठा रहे थे जैसे सितारा की नहीं किसी मिनिस्टर की फैमिली हो। पता नहीं किस मसलियत में उन्होंने हमें गालियां नहीं दी, लेकिन मेरी नजर है बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी इज्जत कर रहे थे। अरे भाड़ में डालें सब, सितारा के तो मजे आ गए ना। गुरूर नहीं देखा आपने उसका? वही सितारा है ये जिसे निम्मी की चालाकियां समझ में नहीं आती थी। अरे रहने दो, उसकी आंखों पे तो अभी नई नई दौलत की चर्बी चढ़ी हुई है, जो उसे अपने ससुराल वालों की मक्कारी भी उनकी मोहब्बत दिखाई दे रही है। रुक जाओ, जरा ये चर्बी पिघलने दो, फिर देखना सितारा की पलकें भी ना साथ जलेंगी। अब तुम ये सोग मनाना बंद करो, उठो और जाओ, जाकर कुछ अपने मुंह पर करवाओ लिपा पोती। आप दूसरों की आंखों पर चढ़ी चर्बी पिघलने की आस लगाए बैठी हैं, और यहां आपकी इज्जत संभालते संभालते मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। वो ऐसे कैसे किसी राह चलती को उठाकर ला सकता है? अगर उठाकर लाया होता ना, तो वो इतने इत्मीनान से ना होती। इस तरह अकड़ के बोल रही थी कि वो मेरे मंगेतर की बीवी है। How disgusting! मुझे ताहिर से ये उम्मीद नहीं थी। आप सोच भी नहीं सकती कि मुझे कैसा लगा होगा। वो ताहिर अंकल के सामने मेरे मंगेतर को अपना शौहर कह रही थी, और उसे किसी ने रोका तक नहीं। मैंने तुम्हें रोका था, मगर तुम रुकी नहीं। सालारा, जी आंटी, वो हमारी गाड़ी आपके घर के सामने हीटअप हो गई, ड्राइवर ने कहा कि कुछ वक्त लगेगा, इसलिए हम अंदर आ गए। आने से पहले इन्फॉर्म कर देते तो बेहतर था। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारी गाड़ी आपके घर के सामने हीटअप हो जाएगी। वो तो सब ठीक है, ये अरे पता तो होगा आपको, तो सारी डिटेल्स हर जगह पब्लिश हो चुकी हैं।
यकीन नहीं आ रहा, इतना अचानक फैसला कर लिया? नहीं 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 आंटी, अचानक नहीं, मैं तो बहुत पहले ही करना चाह रहा था, ये नहीं मान रही थी। मान नहीं रही थी? क्यों? इसलिए नहीं मान रही थी क्योंकि किसी बेवकूफ ने ऐसे कहा था कि मेरी मंगनी पहले से हुई भी है। बेवकूफ ने? हाँ हाँ, तुम्हें याद है उस रोज जब हम डिनर कर रहे थे तो एक लड़की मिली थी, वो लड़की जो है वो एक्चुअली इसकी कजिन थी। वो जो तुम्हारे पीछे पड़ी थी? Well, to be honest with you, I really don't want to talk about her, but yes, that girl. वो मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए, गाड़ी ठीक हो गई होगी। दिमाग ठीक हुआ तुम्हारा? ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हेलो जी नानी। जी जी मैं आ रहा हूँ। हाँ वो साथ ही बैठी हुई है, बात करनी है? नहीं नहीं उसे ट्रैवल सिकनेस है ना नानी, रास्ते में बात नहीं कर पाती। जी ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, बस आ रहे हैं। ऑलराइट, सी यू, बाय। नानी के सामने तमीज से रहना प्लीज़।